तो ये मुर्गी जो अंडा देने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसकी ये होगी 105 दिन की। इसके बाद जो ये 10 दिन के बाद ये अंडा देना जो स्टार्ट करेगी, इसका वजन हो 1400 ग्राम इसका वजन हो गया है। और उसके बाद अभी ये जो अंडा देना 10 दिन में जो स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारा जो स्टार्टर साइड है, इसमें अंडा देने वाली जो मुर्गियाँ होती है शुरुआत में जो स्टार्टर में जो 100 से 110 दिन तक जो स्टार्टर में रहती है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दाना जो दाने की जो चैन है, यहाँ पे अंडे वाली कोई चैन नहीं होती, इस जो स्टार्टर साइड होती है। ये स्टार्टर में जो ये दाना खाती है और इसमें जो मुर्गियाँ जो पलती हैं, यानी कि 110 दिन में आपको जो शिफ्ट करनी पड़ती है जो लेयर साइड में, मुर्गी जो अंडा देना वो स्टार्ट करेगी। तो ये मुर्गी हो गई है 1400 ग्राम की, इसके बाद अभी अंडा देगी। स्टार्टर साइड से हमें जो लेयर साइड में जो ये शिफ्ट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये भड़कती तो है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही जो म्यूजिक चलाया था डीजे वगैरह, तो उससे भी भड़कती तो इतना ही है नहीं, सही है। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए जिससे मुर्गी जो ना भड़के और प्रोडक्शन आपकी जो सही रहे। स्टार्टर में बनने के बाद जो मुर्गी लेयर साइड में जाती है, तो वहाँ पे आपको जो पानी का और शक्कर का जो घोल बनाना है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे कि इनका जो थोड़ा जो हाजमा हो जाएगा मुर्गी का, और इसमें जो आगे दाना अच्छा खाएगी, क्योंकि यहाँ से जो शिफ्ट होने के बाद जो दाना 2-4 दिन जो थोड़ा कम खाएगी, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होगी दूसरी जगह, कोई भी मुर्गी अगर शिफ्ट होती है दूसरी जगह तो वो उसमें जो दाना थोड़ा कम खाती है, इसलिए हाजमे के लिए उनके शक्कर का जो घोल बनाना है, 20 किलो शक्कर का जो घोल बना के 2-3 दिन में आपको जो मुर्गी को पिलाना है शिफ्टिंग के समय में, जिससे आपकी मुर्गी जो दाना अच्छा खाएगी और प्रोडक्शन आपकी जो सही समय पर आई, यानी कि 120-125 दिन में जो अंडा वो देना स्टार्ट कर देगी।